हेलो फ्रेंड्स, मैं युवराज युवराज क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, मैं पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूँ और फ्रेंड्स, मैं दिल्ली के मुखर्जी नगर और करोल बाग में पढ़ाता रहा हूँ। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे क्या, हाउ टू फाइंड ऑल फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर। किसी फैक्टर के क्या कैसे सभी गुणनखंड निकालें, मतलब कोई भी नंबर कितने नंबर से डिवाइड होगा, कितनी संख्याओं से कटेगा, हम इसको कैसे निकालें। तो जैसे हमें क्या है फ्रेंड्स, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार तो क्या है, बहुत उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पिछली बार जो यूपीएसआई का पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा सा उलट कर पूछ दिया था। कितने टीचर्स तक कह दिए थे कि क्या क्वेश्चन गलत है, लेकिन मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन गलत नहीं था। तो हम लोग क्या बेसिक से एडवांस लेवल जहाँ तक पूछा जा सकता है वहाँ तक हम पढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, वो भी देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कोई संख्या कितने नंबर से डिवाइड होगी। जैसे हम यही 100 को ले लेते हैं, तो 100 को हमें चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे कितने नंबर से डिवाइड होगा। तो पहले 100 के कितने फैक्टर हैं डिवाइड कर लेंगे। हमेशा प्राइम नंबर से हम काटेंगे, इतना ध्यान रखिएगा, इसको हमेशा प्राइम नंबर अभाज्य संख्या से काटेंगे। तो अभाज्य संख्या 2 से डिवाइड किए तो ये कितना हो गया, 50 हो गया। फिर क्या हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 25। फिर क्या हो गया, 5 से डिवाइड करेंगे, हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 से डिवाइड किए 1। अब क्या फ्रेंड्स, ये आ गया, देखिए 2 × 2 × 5 × 5 ये हमारा आ गया। तो ये क्या है, 2 की पावर कितना हो गई फ्रेंड, 2 की पावर कहेंगे 2 × 5 की पावर 2। तो आप यहाँ तक जान गए ये 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 2 है। तो हमें बताना है कि 100 के कितने फैक्टर हैं, 100 के क्या हैं, 100 के कितने फैक्टर हैं। हम अगर देखना है तो हम कहेंगे ये जो पावर है, ये पावर है, इसमें 1 ऐड करके, इस पावर में 1 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 × 3। तो 100 कितने नंबर से डिवाइड होगा, 9 नंबर से डिवाइड होगा। चलिए अगर वो नंबर हम देख लेते हैं ऐसे, अभी हम क्या है निकाल कर भी उन नंबर को देखेंगे। तो आप क्या कहेंगे, देखिए आप कहेंगे 101 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से होगा, फिर किससे होगा, 5 से होगा, 6 7 8 से नहीं होगा, फिर 10 से होगा, फिर फ्रेंड्स हमारे 20 से होगा, 25 से होगा और 50 से होगा। 50 के बाद कितने से होगा फ्रेंड्स, 100 से होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये 9 नंबर्स हैं, ये 9 नंबर्स हैं जिससे क्या होगा, हमारा 100 डिवाइड हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो अब अगर डायरेक्ट अगर कोई बड़ा नंबर हो तो हम ऐसे थोड़ी नहीं उसको फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलिए सीखते हैं, अगर निकालना हो हमको, देखिए ये कभी नहीं पूछा जाएगा किस किस नंबर से डिवाइड होगा, लेकिन हमको क्या है, हम सीख लेते हैं, हमारे लिए क्या होगा, अच्छा होगा। तो हम यहाँ पर ऊपर सीखते हैं, ऊपर अगर हम यहाँ पर जाने तो ये क्या था फ्रेंड्स हमारे, ये हमारे ये था, ये क्या था, 2 की पावर 2 × क्या था, 5 की पावर 2। अब इसको लिखेंगे, देखिए 0 शुरू करेंगे, 2 की पावर 0 मतलब क्या होगा, इधर लिख लेते हैं 2 की पावर, पहले क्या होगा 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, जहाँ तक है वहाँ तक लिखेंगे 2 की पावर 2। ऐसे ये हो जाएगा 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। ये 2 तक है, 2 तक ले जाएंगे, अगर 5 की पावर 3 रहता है तो 3 तक ले जाते फ्रेंड्स। इसका मतलब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 0, यहाँ देखिए 2 की पावर क्या 0 मतलब क्या 1, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 मीन्स क्या 2, और 2 की पावर 2 मतलब मीन्स क्या फ्रेंड्स मेरे 4। यहाँ पर देखिए 5 की पावर 0 मतलब 1, मीन्स किसी की पावर अगर 0 हो गई तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कहेंगे 5 की पावर 0 मीन्स कितना हो गया, 1 हो गया। और अगर हम कहें 2 की 5 की पावर 1 तो 5, और 5 की पावर 2 25। फ्रेंड्स चलिए देखते हैं, अगर नंबर निकालें, देखिए 3 नंबर से ये मल्टीप्लाई करेगा तो 3 हमको क्या मिल जाएंगे, 3 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, 3 से ये मल्टीप्लाई करेगा ये मिल जाएंगे।
किसी साइड से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं इनका मल्टीप्लाई इसमें करें, इन सब का मल्टीप्लाई इसमें भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, अगर हम क्या करते हैं, वन का मल्टीप्लाई वन में करते हैं तो कितना होगा, वन नंबर्स कौन कौन से ये देख लेते हैं, वन हो जाएगा। फिर नंबर वन का मल्टीप्लाई फाइव में करेंगे तो कितना हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। वन का मल्टीप्लाई हम क्या 25 में करेंगे तो 25 हो जाएगा। ये तीन ऑड नंबर हैं हमको पता चल गए, विषम संख्याएं पता चल गई। अब क्या हुआ, चलिए देखते हैं। अब यही इन्हीं से अब हम टू से मल्ट, अगर ये कहीं साइड से करना, अगर इधर से सब मल्टीप्लाई करें, इधर से करेंगे तो इधर से देखिए, अब टू का मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा फ्रेंड्स। और कहेंगे फाइव का मल्टी, टू का मल्टीप्लाई फाइव में करेंगे तो कितना हो जाएगा, टेन हो जाएगा। और टू का मल्टीप्लाई 25 में करेंगे कितना हो जाएगा, फिफ्टी हो जाएगा फ्रेंड्स। और देखिए अब क्या बच गया हमारा, अब फोर, तो फोर का मल्टीप्लाई हम कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, अगर फोर का मल्टीप्लाई वन में करते हैं तो कितना हुआ, फोर हो गया। फोर का मल्टीप्लाई फाइव में करेंगे 20 हो जाएगा। अब फोर का मल्टीप्लाई हम क्या 25 में कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये देखिए 20 100 कहेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये 9 नंबर हमको क्या हुआ, मिल गए, ये 9 नंबर हमको मिल गए। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और एक दो क्वेश्चन हम करके इस पर दिखाते हैं ताकि आप इसको बढ़िया से क्या है सीख पाएँ, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये क्या है बहुत इम्पॉर्टेंट है, सीखेंगे ठीक, इसको सीखेंगे। हमको यही कह दे 150, अगर फ्रेंड्स कह दे 150 दे दे, कह दे सर ये टू डिजिट में था, थ्री डिजिट में रहता तब क्या करते, तो ये हमको दे दे 150 के कितने फैक्टर हैं। हम आगे क्वेश्चन या क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन पहले इसको क्या फ्रेंड्स समझ लेते हैं कि 150 के कितने फैक्टर हैं। फ्रेंड्स हम थोड़ा सा कभी कभी लॉन्ग में बताते हैं, लेकिन अगर आप जब सीख जाएंगे चीज़ों को तो एक स्टेप कम करके उसको आप कर सकते हैं, लेकिन हम अभी एक स्टेप हम कम कर देंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। चलिए जैसे हम कहें 150 के कितने फैक्टर हैं, तो 150 के फैक्टर पहले इसको हम क्या 2 से डिवाइड करेंगे, 75 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 25 हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे इसको 5 से डिवाइड करेंगे और तब ये 5 होगा, और फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब ये कितना हो गया, कहेंगे 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू क्या 5 की पावर 2 हो गया, 5 की पावर 2 हो गया। अब फ्रेंड्स हम जानेंगे कि ये कितने नंबर से डिवाइड होगा, तो ये क्या है हम कहें पावर में कितने इसके फैक्टर हैं, तो 1 जोड़ देंगे, इसके भी पावर में 1 जोड़ देंगे, इसके भी पावर में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या 2 इंटू कितना 2, 3 1 1 2 और 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 2 जा 12, तो इसके कितने फैक्टर हैं 12 फैक्टर हैं फ्रेंड्स, कितने फैक्टर हैं 12 फैक्टर हैं। अगर जानना चाहें आप कौन कौन से फैक्टर हैं तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए 2 की पावर अगर ये 1 है तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 0 मीन्स हम डायरेक्ट कर देते हैं, 2 की पावर 0 मीन्स फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 1, 2 की पावर क्या हो जाएगा 1 मीन्स 2, मतलब 2 की पावर 1 तक था तो 2 की पावर 1 तक हम जाएंगे। ये क्या था, यहाँ पर हम इरेज कर दे रहे हैं नहीं तो आपको कन्फ्यूज करेगा ये। अब देखिए ये यहीं तक था, अब वो नंबर्स हम निकाल रहे हैं, कहेंगे 3 की पावर कितना था, तो कहेंगे 3 की पावर ये 3 की पावर 0 होगा, तो 1 किसी नंबर की पावर 0 1, 3 की पावर 1 तो 3, अब ऐसे 5 क्या 5 की पावर 0 तो 1, 5 की पावर क्या 1 तो 5, और 5 की पावर ये 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स पहले हम इसका इंटू कर लेते हैं, इधर हम लिख देते हैं, अगर इसका इंटू करके अगर इधर हम लिखते हैं इसका इंटू करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 1, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और 1 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 2 इंटू 1 करेंगे, इधर इन दोनों में कर लिए, अब इधर करेंगे 2 इंटू 1 2, और 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 6 हो गया। अब फ्रेंड ये तीसरा है, इन सब का मल्टीप्लाई हम कहाँ करेंगे, इसमें करेंगे, ये जो नंबर हमको मिले हैं अगर हम इधर लाइन खींच दें, ये जो नंबर मिले इसमें करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए 1 का यहीं तक करना है, इसके आगे
नहीं करना है, देखिएगा। तो हम क्या करेंगे, वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो वन ही आएगा, नहीं तो हम नीचे कर देते हैं, वन का मल्टीप्लाई वन में करेंगे, यहाँ वन आ जाएगा। वन का मल्टीप्लाई हम क्या, वन का मल्टीप्लाई थ्री में करेंगे, इस वन का मल्टीप्लाई थ्री में करेंगे तो थ्री हो जाएगा, इस वन का मल्टीप्लाई टू में करेंगे तो फ्रेंड कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। वन का मल्टीप्लाई सिक्स में करेंगे सिक्स हो जाएगा। उसी तरह अब आगे फाइव का मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो फाइव, और फ्रेंड्स देखिए फाइव का मल्टीप्लाई थ्री में करेंगे तो फिफ्टीन, और फाइव का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, टू में करेंगे तो टेन हो जाएगा, अब फाइव का मल्टीप्लाई थ्री में करेंगे थर्टी हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए क्या हो जाएगा, ट्वेंटी फाइव का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ट्वेंटी फाइव हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं कितना हो जाएगा, ट्वेंटी फाइव हो जाएगा, ट्वेंटी फाइव हो जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ कर लेते हैं, ट्वेंटी फाइव का मल्टीप्लाई थ्री में करते हैं कितना हो जाएगा, सेवेंटी फाइव, और ट्वेंटी फाइव का मल्टीप्लाई हम किसमें, टू में करते हैं तो फिफ्टी, फिफ्टी हो जाएगा फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा, फिफ्टी हो जाएगा। और कहेंगे ट्वेंटी फाइव का सिक्स में करते हैं तो वन फिफ्टी हो जाएगा। तो ये कितने हो गए, ट्वेल्व नंबर हो गए हमारे, देख लेते हैं। अब इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, देख लेते हैं ट्वेल्व नंबर हमारे हो गए कि नहीं हो गए। देखिए पहला नंबर क्या हो गया, वन, वन से डिवाइड हो जाएगा, दूसरा थ्री, तीसरा हो गया टू, सिक्स, फाइव, फिफ्टीन, टेन, थर्टी, ट्वेंटी फाइव, सेवेंटी फाइव और फिफ्टी, और वन फिफ्टी, ये सबसे क्या आ जाएगा, वन फिफ्टी डिवाइड हो जाएगा, ट्वेल्व नंबर्स मिल गए हमको। चलिए आगे कोई क्वेश्चन है उसको करेंगे। जैसे आपको पूछ देगा फाइंड द, फाइंड ऑल फैक्टर ऑफ थर्टी, सब क्या कहे, सॉरी थ्री हंड्रेड, पूछ देगा थ्री हंड्रेड के सभी फैक्टर बताइए, या आपको पूछ सकता है 300 कितनी संख्याओं से भाज है, 300 के सभी गुणनखंड बताइए, या 300 कितनी संख्याओं से भाज्य है। तो अगर हमसे पूछ देगा तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, 300 कितनी संख्याओं से भाज्य अगर पूछ दिया तो हम पहले इसका फैक्टर करेंगे, कितना आ जाएगा, 300 का फैक्टर करेंगे तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे 150, फिर क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 75, फिर फ्रेंड्स हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 25, फिर फ्रेंड क्या करेंगे इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना 5, और फिर 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, कितने फैक्टर हैं, हम अब नहीं निकालेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं, अब बस जान जाते हैं कितने फैक्टर हैं इसके। तो 2 की पावर कितना 2 इंटू कितना आ जाएगा 3 की पावर 1 इंटू कितना 5 2 टाइम है तो 5 की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब सबकी पावर में 1 जोड़ें, 2 की पावर में 2 है, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स ये 3 हो जाएगा, और 3 में 1 जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 में, सॉरी 1 में 3 की पावर 1 है, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 में क्या है 1 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो कहेंगे 300 किससे, 3 2 जा 6 3 जा 18, कितने नंबर से डिवाइड है होगा 18 नंबर से डिवाइड होगा, ठीक 18 नंबर निकाल लीजिएगा फ्रेंड्स आप लोग, अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, अगर नहीं सॉरी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसको हम फिर से समझा देंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द फैक्टर ऑफ, फाइंड ऑल द फैक्टर ऑफ 144, इसके सभी फैक्टर फाइंड करने हैं तो 144 के सभी फैक्टर। तो पहले हम हमेशा प्राइम नंबर से, ये 12 से डिवाइड होगा, ये नहीं कि हम 12 से डिवाइड करने, हमेशा प्राइम नंबर अभाज्य संख्या से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 72, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स तो कितना आ जाएगा 9, अगेन 2 से डिवाइड, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। अब यहाँ लिखेंगे हम क्या, 2 की पावर कितना है, कहेंगे 1 2 3 4, 2 की पावर 4 और प्लस क्या इंटू 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 कितना आ जाएगा, ये लिखेंगे 4 और 1 5, 4 और कितना आ जाएगा 5, और 3 यहाँ भी 1 करेंगे यहाँ भी 1 ऐड होगा तो 3, 2 और 1 3 हो जाएगा, कितना हो गया 15 हो गया। ये ऑल फैक्टर्स हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम समझते हैं।
अगर हमको कह देता कि इवन फैक्टर बताइए, केवल सम संख्या, कितनी ऐसी सम संख्या है, इवन नंबर है, कौन सी, EVEN, इवन नंबर है, जो क्या करेंगी, इसको डिवाइड करेंगी। तो इवन नंबर जब भी पूछेगा आपसे तो आप क्या करेंगे, इवन नंबर जब भी पूछेगा सम संख्या, क्या सम संख्या अगर पूछेगा, सम संख्या इवन नंबर पूछेगा, तो आप क्या करेंगे, जो इवन नंबर होगा, जैसे दो इवन है और थ्री क्या है, टू इवन है और थ्री ऑड है, तो इवन नंबर में हम क्या करेंगे, वन नहीं, इवन नंबर के पावर में वन नहीं जो ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, फोर, और यहाँ ऑड नंबर में ऐड करेंगे, ऑड नंबर में हमने वन ऐड किया कितना हो गया, वन ऐड किया थ्री, फोर इंटू थ्री, तो कितना हो गया ये 12, तो कितने इसमें 15 नंबर से डिवाइड होगा, उसमें से 12 क्या है, इवेन है, तो ऑड कितने होंगे, माइनस कर देंगे 3 आएगा, नहीं तो आप देख लीजिए, अब जब क्या है ऑड नंबर कितने, ऑड नंबर से डिवाइड होगा तो हम क्या है विषम संख्या, इसे क्या कहेंगे, विषम संख्या, ठीक, विषम संख्या से कितने डिवाइड होगा ऑड नंबर से, तो हम कहेंगे ये क्या है, कहेंगे तब हम ऑड नहीं लेंगे, सॉरी इवेन नंबर को लेंगे ही नहीं, क्यों नहीं लेंगे, आप फ्रेंड जानिए, जो इवेन है, इवेन बहुत गड़बड़ नंबर है, मतलब बहुत ही बिगड़ा हुआ है, क्यों, क्योंकि जब भी क्या होगा इवेन के साथ जो जुड़ता है उसको अपने जैसा बना लेता है, सम के साथ अगर जुड़े और उसके साथ गुणा किए तो क्या हुआ, अपने जैसा बना ले, कितना भी बड़ा नंबर हो अगर किसी उसमें इवेन नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए तो इवेन हो जाएगा, तो अगर ये इवेन नंबर अगर इवेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवेन होगा और इवेन से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो इवेन नहीं होगा, चलिए देखते हैं, तो ये क्या आ जाए, 3 की पावर 2 था, 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ऑड नंबर केवल कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ऐसा कैसे होता है फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं, हम देखते हैं ये कैसे होता है, अभी देखिए फ्रेंड्स, अब इवेन नंबर में या ये सीखिए, ये तो आप जान गए ऑल फैक्टर निकालना, अब इवेन नंबर में हमने क्यों, इवेन नंबर निकालने के लिए क्यों वन ऐड नहीं किया, तो चलिए हम समझते हैं इसको कि क्यों वन नहीं ऐड किए, जैसे हम क्या है 2 की पावर 0 से ले रहे थे, ठीक, 2 की पावर, सॉरी ये 2 था, 2 की पावर 0 से लेते तो 2 की पावर 0 का मतलब 1, 2 की पावर 2 का 1 का मतलब 2 और 2 की पावर 2 का मतलब 4 और 2 की पावर 4 का मतलब सॉरी 8 एंड ऐसे 16 हो जाता, यहाँ तक 16 हो जाता, अब फ्रेंड्स इधर लिखते 3 की पावर 0 मतलब मींस क्या हो जाएगा 3 और 3 की पावर 1 मींस सॉरी 3 की पावर 0 मींस 1 हो जाएगा और 3 की पावर 0 मींस 1 और 3 की पावर 1 मींस 3 और 3 की पावर 2 मींस 9 यहाँ तक हो जाएगा। अब फ्रेंड्स जानिए कि आप क्या कर रहे थे, अब ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, जब आप एक नंबर ये ले रहे थे तो ये क्या होता था, ये ऑड नंबर है, देखिए इवन की नंबर में जो इवन संख्या है ये सम वाली लाइन है, 2 की सब तो 2 की पावर 0 आया था तब 1 आया था, 2 की पावर ये क्या था 2 की पावर 0 था, ये 2 की पावर 1 था, ये 2 की पावर 2 था, ये 2 की पावर 3 था, ये 2 की पावर 4 था, ऐसे था, तो कहेंगे ये देखिए ऐसे ही था ना, तो आप कहेंगे जब भी देखिए 2 की पावर हमने क्या लिया 0 लिया तो ये क्या विषम है, अब विषम का गुणा विषम के साथ होगा तो क्या बनाएगा, विषम का गुणा विषम के साथ होगा ऑड का इंटू ऑड के साथ होगा तो क्या बनाएगा ऑड नंबर बनाएगा, तो यही ऑड 1 हमने क्या है हटा दिया, जब एक पावर इसीलिए देखिए यहाँ पर कम कर दिया तो एक पावर यही हटा दिया, तो अब क्या होगा ये सम संख्या है, ठीक, अब ये जो बनेंगे 1 का पावर यहाँ किया तो कितना हुआ देखिए 1 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, ये 1 का इंटू किया तो ये हो गए, ठीक, अब क्या होगा अगर 2 का इंटू करेंगे देखिए अब इवेन मिलेगा ये ऑड, अगर इसी को हटा दिए तो ये 3 नंबर नहीं मिलेंगे ये ऑड वाले, फ्रेंड्स देखिए अगर हम इन पूरे को हटा देते विषम के लिए ये पूरा हटा देते देखिए ये हट जाता तो 1 3 9 यही हमको डायरेक्ट ऑड मिल जाता, अब देखिए सारे कैसे इवेन हो जाएंगे, सारे इवेन कैसे हो जाएंगे तो देखते हैं फ्रेंड्स, ये सारे इवेन अब इसको हटा दिए, अब ऑड तो कैसे मिलेंगे, ये जब रहेगा ही नहीं, जब ये वाली चीज़ देखिए फ्रेंड्स ये वाली चीज़ रहेगी ही नहीं ये जो है, तब क्या हुआ केवल ऑड बचे, तो
ऑड में ऑड हो जाएंगे, लेकिन अगर ये वाली चीज़ रहेगी, हमने वन भी हटा दिया, वन भी हटा दिया, तो देखिए क्या हो जाएगा फिर फ्रेंड्स, अब क्या होगा, अब सारे इवेन हुआ और इवेन के साथ कोई भी जुड़ा तो इवेन बनाएगा। देखिए टू का गुड इंटू वन में हुआ कितना हो गया, कहेंगे टू, टू का थ्री में हुआ तो कहेंगे सिक्स, टू का क्या नाइन में हुआ तो कितना हो गया एट्टीन, कहेंगे थ्री फोर का आप करेंगे, फोर का वन में हुआ फोर हो गया, फोर का आप कहेंगे थ्री में हुआ तो ट्वेल्व हो गया, और फोर का क्या, फोर का इंटू नाइन में हुआ तो थर्टी सिक्स हो गया, कितना हो गया थर्टी सिक्स हो गया। अब ऐसे आप क्या है सब में कर लेंगे, एट का वन में करेंगे, एट का थ्री में करेंगे, ऐसे आप देखिए सब इवेन मिलेगा, क्यों, क्योंकि वन ऐड था। अब इवेन से किसी का मल्टीप्लाई करेंगे सबको क्या बना देगा, इवेन बढ़ा देगा। आई होप फ्रेंड्स आप समझ पाए होंगे, चलिए आगे क्वेश्चन जो करते हैं वहाँ और बढ़िया समझेंगे। फाइंड ऑल इवेन फैक्टर, क्या कहा है कि सभी सम फैक्टर जो हैं ज्ञात करिए इसके, तो सम फैक्टर ज्ञात करना है, पहले इसका फैक्टर करेंगे, 300 का फैक्टर करेंगे कितना होगा, कहेंगे 2 से 150, फिर हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 175, सॉरी हो जाएगा 75, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 25, फिर हम क्या करेंगे 5 से, फिर क्या करेंगे फ्रेंड्स, फिर 5 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना आ गया, कहेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3 की पावर सॉरी 5 की पावर 2। अगर डायरेक्ट हमसे पूछता कितने फैक्टर हैं, कितने गुणनखंड हैं, कितने नंबर से कटेगा, तो कहेंगे 2 में 1 जोड़ते कितना हो जाएगा 3, इस 1 में 1 जोड़ते ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, एंड इसमें कहेंगे 3 हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, देखिए 3 2 जा 6 और 3 18 हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 18, कुल कितने फैक्टर हैं 18 फैक्टर हैं, लेकिन हमको सारे फैक्टर नहीं पूछा है, हमको पूछा है इवेन फैक्टर बताइए, हमको क्या पूछा है इवेन फैक्टर बताइए सम, तो सम संख्या इसमें कौन सी है, ये 2 इवेन है, तो 2 में हम क्या करेंगे 2 में कुछ नहीं जोड़ेंगे, 2 की पावर 2 था तो ये क्या हो जाएगा 2 यहाँ लिखेंगे, और 3 की पावर 1, 3 जो है ऑड नंबर है तो इसमें जोड़ेंगे ये 2 हो जाएगा, और ये भी क्या है ऑड नंबर 5 है तो इसमें भी 1 जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 2 जा 12, तो ये कितना हो जाएगा 12, इवेन नंबर कितने हैं 12 हैं जो इनको 300 को डिवाइड करेंगे। अगर वो जानना चाहते हैं आप कौन कौन से हैं और इसमें क्यों 1 नहीं ऐड किया तो एक बार फिर से देखिए, अगर यहाँ पर हमने देखिए फ्रेंड्स क्या किया कि 2 की पावर हमने लिखा 0, 1 हो गया 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 तो कितना हो जाएगा 2, 2 की पावर 2 मीन्स कितना फ्रेंड्स 4, अब ये क्या हो गया 3 की पावर 1, 0 मतलब 1 और 3 की पावर 1 मीन्स 3 हो गया, और ये हो गया 5 की पावर 1 मीन्स कितना हो गया फ्रेंड्स 5 की पावर 1 मीन्स 5 की पावर 0 मीन्स 1 और 5 की पावर कहेंगे हम कितना 5 मीन्स 5, 5 की पावर 1 5 हो जाएगा फ्रेंड्स, और 5 की पावर कितना 2 मीन्स 25। अब फ्रेंड्स देखते हैं क्या होगा, ये अब ये देखिए क्या ऑड नंबर, 1 भी ऑड है इधर भी, अब ऑड का इंटू अगर ऑड के साथ करेंगे तो क्या आएगा ऑड नंबर आएगा, कुल 18 नंबर हैं जिसमें से 12 क्या है इवेन, अगर ऑड का इंटू ऑड के साथ करेंगे तो ऑड नंबर आएंगे, देखिए 3 2 ये क्या है इसके साथ 2 आएगा तो 6 नंबर ये हो गए ऑड आएंगे तो 2 नंबर ऑड आ जाएंगे 1 और 3, और इनका ये 3 नंबर के साथ इंटू होगा तो ये 6 ऑड नंबर आ जाएंगे, लेकिन हम क्या है इसी पावर एक कम कर देते हैं, यहाँ पे पावर एक कम कर देते हैं तो ये क्या होगा ये 1 हट जाता है, अब बच गया ये, अब सब ये क्या इवेन, और जब भी ये इवेन इंटू करेंगे तो क्या बनाएंगे इवेन नंबर बनाएंगे, आप चाहे तो इधर से इंटू कर देंगे तो लास्ट में इससे तो इंटू करना ही पड़ेगा तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स। देखिए तो आप करेंगे क्या 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 में 6 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई हो गया आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो 4 हो जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई हम किस में करते हैं 4 का मल्टीप्लाई 3 में करते हैं तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा फ्रेंड्स। अब जानिए अब हम क्या है अब इधर हो गया ये वाले बच गए, ये वाले जो हमारे हैं ये बच गए, इसमें क्या डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 का मल्टीप्लाई 2 में किया 2, 1 का मल्टीप्लाई 6 में 6, 1 का मल्टीप्लाई हम किस में किए 4 में किए 4 हो गया, 1 का मल्टीप्लाई हम किस में 12 में किए 12 हो गया,
अब 5 का मल्टीप्लाई इधर करना शुरू करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई किए हम 2 में, 5 2 जा 10, 5 का मल्टीप्लाई 6 में किए तो कितना हो गया 30 हो गया, अब 5 का मल्टीप्लाई 4 में किए तो कितना हो गया 5 4 जा 20 हो गया, अब 5 का मल्टीप्लाई 12 में किया तो ये कितना हो गया 60 हो गया। फ्रेंड्स ये हो गए, अब 25 का मल्टीप्लाई, अब देखिए इसके आगे नहीं करना है क्योंकि आप क्या है इधर ही, तो क्या आ जाएगा 25 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 25 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा कहेंगे 50 50, 25 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 हो जाएगा, और 25 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 100, और क्या करेंगे 25 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 300, कितना आ जाएगा 300। अब देख लीजिए फ्रेंड्स कितने नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये 12 नंबर हैं, ये क्या हैं 12 नंबर हैं जो क्या होंगे ये इवन नंबर हैं जो क्या करेंगे 300 को डिवाइड करेंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, इसका भी सारे इवन फैक्टर पूछा है तो हम फैक्टर निकाल दे रहे हैं, आपकी कौन कौन सा नंबर है घर पे निकालने की कोशिश करिएगा, निकालेंगे तो फ्रेंड्स सीखेंगे। चलिए इसका इवन फैक्टर पूछा है तो 3 2 4 का हम इवन फैक्टर निकालते हैं। फ्रेंड्स क्या करेंगे इसको 2 से डिवाइड करेंगे, और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 162 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 81 होगा, अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स 3 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 27 होगा, अगेन 3 से डिवाइड होगा तो 9 होगा, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 होगा, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 1 आएगा। अब देखिए 2 की पावर कितना हो गया, यहाँ पे 2 की पावर 2 हो गया इंटू 1 2 3 4, 3 की पावर कितना हो गया कहेंगे 3 की पावर 4 हो जाएगा। अब हमसे क्या है इवन फैक्टर मतलब सम गुणनखंड बताना है, सम गुणनखंड हमने बताया जब सम गुणनखंड कहेगा सम संख्या हम नहीं जोड़ेंगे, दो सम संख्या इसमें 1 ऐड नहीं करेंगे तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 2, तो 2 ही लिखेंगे। अब 3 ऑड नंबर तो इसके पावर में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा, 2 5 जा 10, ये 2 5 10, ये 10 नंबर 10 नंबर हैं जो क्या है 324 को डिवाइड करेंगे वो भी क्या होंगे इवेन होंगे। सर आई होप फ्रेंड्स अगर पूछता कुल कितने हैं तो कुल कितने हैं तो आप यहाँ ऐड 1 करते और यहाँ भी 1 ऐड करते कितना आ जाता 315 आएगा। वैसे फ्रेंड ये 3 हो जाता, ये क्या हो जाता 5, कितना आ जाएगा 15 फैक्टर हैं 3 5 जो कुल क्या हैं कुल हमारे 15 फैक्टर जो हैं कितने हैं 15 फैक्टर्स हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, ये पूछ रहा है ऑड फैक्टर, इसका पूछ रहा है तो ऑड फैक्टर अभी हमने इसको निकाला था, वैसे फिर से हम कर दे रहे हैं एक मिनट लगेगा। 2 से डिवाइड करेंगे 162, हमने फिर 2 से किया तो 81, फिर क्या किया हमने 3 से किया 27, फिर हमने क्या किया 2 से किया 3 से किया 9 है ये 3 हो जाएगा, 3 से किया तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये क्या है 2 की पावर 2 इंटू क्या 3 की पावर 4 है। फ्रेंड्स अब कर ऑड फैक्टर, जब ऑड नंबर पूछता है तो हम इवन वाले को लेंगे ही नहीं, तो ये 2 क्या है इवन है तो इसको लेंगे नहीं, ये 3 है तो यही वाला लेंगे और इसको तो लेना ही नहीं है, ये लेना ही नहीं है तो बच गया 3, और 3 की पावर में क्या 4 है, 4 में 1 ऐड करेंगे, 4 में 1 ऐड करेंगे तो कितना 5, तो ऑड कितने ऑड नंबर है जो इसको डिवाइड करेंगे 5, जिसमें हमने क्या 10 इवन है और 5 ऑड हो गए तो टोटल कितने हो गए 15 हो गए। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और देखते हैं, देखिए इस 400 के सारे ऑड फैक्टर पूछे हैं तो सारे ऑड फैक्टर 400 के निकालेंगे तो 400 के कितना आ जाएगा 2 से 200, फिर क्या है 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 100, 2 से डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 50, हम क्या है फ्रेंड 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 25, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 5 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा,
अब फिर इसको क्या 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये कितना है, ये 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 है, तो अब कितना हो जाएगा, कहेंगे हमको ऑड पूछा है तो 2 इवेन है तो इवेन वाला नहीं लेंगे, केवल क्या लेंगे ऑड वाला, ठीक। तो ऑड 5 है, 5 की पावर 2 है तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो कितने ऑड नंबर हैं, 3 क्या हैं, ऐसे विषम नंबर हैं, ऑड नंबर हैं जो क्या करेंगे, विषम नंबर हैं जो 400 को डिवाइड करेंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अब पूछा है क्या आपको, फाइंड प्राइम फैक्टर ऑफ 400। देखिए अब क्या है, अभाज्य गुणनखंड बताने हैं, तो अभाज्य गुणनखंड बताने हैं, तो इसका फ्रेंड्स ये बहुत इजी है, हम क्या करेंगे देखिए, अभाज्य गुणनखंड बताने हैं तो अब क्या करेंगे, देखिए 400 का तो अभी हम लोगों ने किया था लेकिन फिर से कर लेते हैं हम, तो क्या जाएगा 400 का, कहेंगे 2 से 200 हो जाएगा, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 100, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 50, फिर हम क्या करेंगे फ्रेंड 2 से डिवाइड करेंगे 2 से कितना आ जाएगा 25, फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5, और अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, कहेंगे कितने प्राइम फैक्टर, तो कहें देखिए कितने नंबर से डिवाइड किए, बस इन्हीं के 1 2 3 4 5 6 कितने प्राइम फैक्टर हैं, 6, नहीं तो आप ऐसे जानिए 6 आपका आंसर आएगा, नहीं तो आप ऐसे जानिए कि 2 की पावर 4 था और 5 की पावर कितना था, 5 की पावर ये 2 था, बस इसमें क्या करते हैं पावर को ऐड कर देते हैं, 4 + 2 = कितना हो जाएगा 6, बस ये पूछ रहा है कितने प्राइम नंबर से ये डिवाइड होगा, तो यही प्राइम नंबर है ना 2 2 2, ये जितने हैं ये सारे प्राइम नंबर हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, बस हमको ऐड कर देना है इस बार जब प्राइम फैक्टर पूछेगा अभाज्य गुणनखंड। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, देखिए दिया है फाइंड प्राइम फैक्टर ऑफ इतना, इसका प्राइम फैक्टर हमको ज्ञात करना है, तो क्या है ये 6 की पावर क्या है, अभी 6 को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 की पावर 11 कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं इंटू 17 की पावर 5 इंटू क्या हम लिख सकते हैं, ये जो है 14 को लिख सकते हैं 2 × 7 की पावर कितना 5। अब अलग अलग लिख देते हैं, 2 की पावर ये 11 हो जाएगा इंटू 3 की पावर 11 हो जाएगा इंटू क्या 17 की पावर 5 हो जाएगा इंटू 2 की पावर 5 इंटू कितना हो जाएगा 7 की पावर 5। अगर फ्रेंड्स आप समझते तो ये स्टेप आपको करने की ज़रूरत ही नहीं रहती, हम क्या आपको समझने के लिए इसको बता दिए हैं, आप ये स्टेप हटा भी सकते हैं। अब क्या आ जाएगा 11 प्लस कितना हो जाएगा 5 + 5 + 5, ये देखिए 11 11 5 5 5, ये सारी चीज़ें हो। अब 11 2 जा देखिए कितना हो जाएगा 11 2 जा 22 और 5 27 और 10 37, तो कुल कितने फैक्टर हो जाएंगे 37 फैक्टर हैं। आई होप गाइज आप समझ पाए होंगे, चलिए अगर नहीं समझ में आया होगा तो क्या है इसको एक बार फिर से देखिएगा, इसको आप फिर से देखिएगा आपके समझ में आएगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लग रही हो इसको क्या लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए हमको एक ये नंबर दे दिया है, क्या है ये नंबर दे दिया है, कहा फाइंड ऑल फैक्टर्स, ठीक इसमें दे दिया ऑल फैक्टर्स पहले बताइए, फिर क्या है ऑल इवन फैक्टर्स बताइए, सारे गुणनखंड बताइए, फिर क्या है कि सम गुणनखंड बताइए, मतलब सारे क्वेश्चन का क्या हो गया यहाँ रिवाइज हो गया है, ऑल ऑड फैक्टर मतलब सारे विषम गुणनखंड बताइए, ऑल प्राइम फैक्टर मतलब सब कुछ बताना है इसमें, तो हम क्या है 21 है तो 21 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 7 की पावर कितना था 4 है फ्रेंड्स, ये कितना है देखिए फ्रेंड्स कहेंगे ये 3 कितना है, ये 7 × 5 की पावर 2 है, और ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स कहेंगे कि यहाँ पर 3 ये कितना है 5
इंटू थ्री इंटू 30 को लिख सकते हैं, 5 इंटू थ्री इंटू टू, देखिए 2 5 2 3 जा 15 और 2 कितना आ जाएगा कि पावर 2 है, 2 3 जा 15 और 15 2 जा 30, अब क्या हो गया, अब देखिए मीन्स ये 4 3 की पावर भी कितना है, 3 की पावर भी 4 है, अब इंटू हो जाएगा 3 की पावर 4 है इंटू 7 की पावर 4 है इंटू कितना आ जाएगा 7 की पावर 2 है, 7 की पावर 2 है इंटू कहेंगे 5 की पावर 2 है इंटू 5 की पावर 2 है इंटू 3 की पावर 2 है इंटू 2 की पावर 2 है। अब फ्रेंड्स यहाँ से देखिए आप क्या करेंगे, 3 यहाँ 3 है और कहीं 3 है, ये भी 3 है और कहीं 3 नहीं है, तो इंटू में पावर क्या होती है, जुड़ती हैं, तो ये 3 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ 6 हो जाएगा, कहेंगे 7 यहाँ भी 7 है और कहीं 7 नहीं है, ठीक, तो ये 7 हो जाएगा, 7 की पावर कहेंगे 4 और 2 6 हो जाएगा, इंटू 7 की पावर कितना हो गया 6 हो गया, यहाँ 5 की पावर कितना हो गया इंटू 5 और 5 2 टाइम है तो कहेंगे 5 5, ये क्या है 5 की पावर 2 यहाँ भी है, 5 की पावर 2 यहाँ भी है तो 5 की पावर 4 हो जाएगा, इंटू कितना आ जाएगा इंटू 2 की पावर 2 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखते हैं सारे फैक्टर हमसे पूछा है ना, ऑल फैक्टर, तो सारी पावर में क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे, 6 में 1 में ऐड करेंगे 7 इंटू 7 इंटू कितना आ जाएगा, अब 4 5 हो जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 में 1 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा। फ्रेंड्स अब ये देखिए कितना हो जाएगा, कहेंगे 7 7 जा 49 और 49 इंटू क्या करेंगे, देखिए 49 इंटू क्या 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 245 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा इसका 245 मतलब 245 हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स इसको आप कैसे इंटू करेंगे, इसको 50 मान के इंटू करिए, 50 मान लीजिए, अगर 5 का इंटू करते हैं तो 5 5 जा 25 होगा और 0 0 बढ़ जाएगा, 250 हो गया, लेकिन क्या है ये 49 था वो एक कम था, आप 50 माने तो 1 का इंटू करके ये कम था ना, तो 1 का इंटू 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 5 जा 5 और इसमें से 5 माइनस कर देंगे तो ये आप आ जाएगा ये 250। अब इसमें क्या है 3 का इंटू करना है, 3 का इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 3 का इंटू करेंगे हम तो कितना आएगा, तो कहेंगे 250 मान लेते हैं, तो 250 में अगर 3 का इंटू करेंगे तो 750 हो जाता है 750, लेकिन ये क्या 5 कम था, 5 250 से 5 कम था, तो यहाँ हम क्या करेंगे 5 कम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जा 15, अब 15 इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 735, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 735, ये क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा, कितने नंबर से ये डिवाइड होगा, कुल कितने नंबर हैं, कहेंगे कुल हमारे 735 नंबर हैं जिससे डिवाइड होगा, ये क्या है कुल 7, हम इसका इंटू कर देंगे तो कितना आएगा कुल 735 नंबर, मतलब 735 संख्याएं हैं जिससे ये कट जाएगा, इसको निकालना बहुत मुश्किल है फ्रेंड, निकलेगा लेकिन कई पेज ले लेगा। चलिए अब ये क्या है ऑल फैक्टर हैं, क्या है सारे फैक्टर, अब देखते हैं इवन फैक्टर देखते हैं, ये क्या था ऑल फैक्टर था, ठीक, ये इवन फैक्टर देखते हैं, इवन फैक्टर कितना हो जाएगा, तो इवन नंबर में क्या करेंगे नहीं जोड़ेंगे, 3 तो ऑड है तो ऑड में क्या है 6 में 1 जो ऐड करेंगे 7 हो जाएगा, ये भी ऑड है तो 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, अब ये क्या है ये भी ऑड है 5 भी ऑड है तो ऑड में एक ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, और इसमें क्या है ये 2 इवन है तो इवन वाले में नहीं ऐड करेंगे फ्रेंड्स, तो ये क्या आ जाएगा 10 हो जाएगा, सॉरी 2 रह जाएगा, अब 7 7 जाए ये 2 क्या 240 था 245 था 245 2 जा हम कहेंगे 245 252 जा कर देते हैं कितना आ जाएगा 252 जा कहेंगे 500 लेकिन 5 10 जा 10 490 हो जाएगा, कर लीजिएगा ये कितना आ जाएगा 490 हो जाएगा 490, ये क्या है इवन फैक्टर हैं। हम कहें कितने ऑड फैक्टर होंगे, तो ऑड फैक्टर अगर हम फ्रेंड्स निकालें ऑड फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, ठीक ऑड फैक्टर्स तो कहेंगे क्या इवन को लेना ही नहीं, तो इवन को छोड़ दीजिए, केवल क्या आप कहेंगे इसमें 1 जोड़ेंगे 7 7 6 प्लस 1 7 और 4 प्लस 1 5 तो कितना आ जाएगा
ये हो जाएगा हमारे फ्रेंड्स 245 हो जाएगा। अब आपको क्या है ऑल प्राइम फैक्टर्स, तो आप ऑल प्राइम फैक्टर तो ऐड कर लीजिए, केवल क्या हो जाएगा 6 प्राइम फैक्टर जो हैं, प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड आपको ज्ञात करना है, तो 6 + 6 + 5 = 4 + 2 ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 6 × 2 = 12 = 4 = 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स मेरे 18, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या है फ्रेंड्स, ये वही क्वेश्चन उसका क्या उल्टा है, ये UPSI 2017 में यही क्वेश्चन क्या है पूछा गया था, अभी तो उसके बाद पेपर ही नहीं हुआ। तो क्या क्या कह रहा है फ्रेंड, हाउ मेनी सच नंबर आर लेस देन 500, 500 से छोटे ऐसे कितने संख्याएं हैं विच है 15 फैक्टर, जिसके 15 गुणनखंड है, मतलब 15, 500 से छोटी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो क्या हो 15 संख्याओं से कट जाए। तो आप जानिए 15 गुणनखंड है, 15 गुणनखंड है तो 15 का पहले फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 5 और 3 आएगा, 15 का फैक्टर क्या आएगा 5 और 3 मीन्स किसी के पावर, इसीलिए इंटू करके 15 बना होगा, तो कहेंगे किसी की पावर ये रहा होगा, हम मानते हैं ए की पावर क्या रहा होगा, अब इससे ये कम रहा होगा 4 और ये क्या रहा होगा 3, ए की पावर ये 4 रहा होगा और बी की पावर 3 रहा होगा, तो बी में क्या 1 ऐड किया गया तो ये इंटू क्या 1 ऐड किया गया तो 5 हो गया, इसमें 2 रहा होगा, ये फ्रेंड्स 2 रहा होगा, 2 में 1 ऐड किए 3 हो गया 15 हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से देखिएगा आएगा समझ में। अब ये क्या था ए की पावर 4 इंटू क्या है बी की पावर 2, अब देखिए फ्रेंड्स इसमें 1 ऐड किए तो 5 हुआ, इसमें 1 ऐड किए तो 3 हुआ, 3 15, ये 15 फैक्टर इसी तरह निकलते थे। अब आप ए की वैल्यू 2 रखते हैं और 2 की पावर 4 करेंगे, कि हमेशा प्राइम नंबर यहाँ लेंगे क्योंकि प्राइम नंबर से ही हम डिवाइड करते हैं, प्राइम नंबर निकालते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे 3 लेते हैं, 3 की पावर 2 इंटू करेंगे, देखिए इसको इंटू करेंगे 16 और ये कितना हो जाएगा 9, 16 9 जब पहला कितना हो जाएगा आपका 30, क्या हो जाएगा 2 160 144 हो जाएगा, 16 9 144, ये पहला हम लोग शुरू में निकाले थे, इसके 15 फैक्टर हैं। चलिए ये क्या हो जाएगा 15 फैक्टर हैं। दूसरा आप निकालेंगे, अब यहाँ 3 को यहाँ कर देते हैं, 3 की पावर 4 कर देते हैं और 2 को इधर कर देते हैं, 2 की पावर 2 कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 3 3 जा 9, देखिए इसको करेंगे 3 × 3 × 3 × 3, तो 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 9 9 कितना आ जाएगा 81, ये 81 और 2 2 जा 4 81, ये 81 हो गया और 2 × 2 कितना हो गया 4 हो गया, ये 4 हो गया, 81 और 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 2 4, ये दूसरा नंबर हो गया जिसके ये क्या लेस देन 500 है और क्या है इसके 15 फैक्टर हो जाएंगे। अगर थर्ड निकालेंगे तब क्या हो गया, यहाँ हम 2 की पावर 4 करते हैं इंटू क्या 5 लेते हैं, यहाँ पर क्या लेंगे 5 लेंगे, 5 की पावर 2, तो अब क्या हो जाएगा फ्रेंड 2 की पावर 4 मीन 16 और 5 की पावर 2 25, अब इंटू करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 400 आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स 5 को यहाँ नहीं रख सकते, 5 की पावर 4 करेंगे तो इसके कितना आ जाएगा 6 5, देखिए 5 × 5 × 5 × 5 4 टाइम करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 जा कितना देखिए 25 5 जा 125, और 5 जा कितना हो जाएगा 625, अभी 600 अकेले कितना हो जा रहा है 625 हो जा रहा है, तो इसको हम नहीं रख सकते 5, यहाँ 2 3 कुछ भी नहीं हो सकता तो ये अकेले हो जा रहा है, यहाँ 5 नहीं रख सकते। चलिए फ्रेंड्स तो आगे थोड़ा सा हम चेक करके देखते हैं, यहाँ हम क्या रखते हैं 3 की पावर 4, यहाँ पर हम 3 की पावर 4 रखते हैं और 5 की पावर यहाँ पर क्या ले लेते हैं 5 की पावर कितना ले लेते हैं 2, तो ये क्या 3 की पावर 4 मतलब 81 इंटू 25 करेंगे तो ये भी ज़्यादा हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। चलिए थोड़ा सा 2 की पावर 1 प्राइम नंबर और आगे तक चेक करेंगे, नहीं होगा तो हम नहीं चेक करेंगे, 2 की पावर 4 और इंटू 7 की पावर 2 कर लेते हैं, अगला प्राइम नंबर 7 है चेक कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 16 और 7 7 जा 49, अब इंटू करेंगे फ्रेंड्स तो ये भी क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो पाएगा, तो हमारे कितने पॉसिबल हैं 3 पॉसिबल है। तो ये क्वेश्चन क्या था फ्रेंड,
इजी था अगर देखा जाए तो। अगर कहीं ऐसा पूछ दिया होता कि हाउ मेनी सच नंबर आर लेस देन 500 विच हैव 12 फैक्टर, मतलब कि 500 से छोटी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसके 15 गुणनखंड हैं, या 500 से छोटी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 15 संख्याओं से कटेंगी। अब देखिए 12 का क्या, 15 का एक ही फैक्टर था, लेकिन 12 का दो फैक्टर है, कौन कौन सा है? कहेंगे 4 × 3 हो जाएगा एक, और दूसरा क्या है 12 का फैक्टर? कहेंगे 2 × 6, ये दो हैं। अब यहाँ पर हम देखिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम लिखेंगे क्या 5 की पावर, यहाँ रहेगा 5 की पावर, यहाँ क्या रहा होगा ए की पावर, ए रहा होगा 2, ए की पावर 3 रहा होगा और बी की पावर 2 रहा होगा, और यहाँ पर ए की पावर 1 रहा होगा और बी की पावर 5 रहा होगा। चलिए दोनों पे अब करके सारे हम निकालेंगे। तो यहाँ क्या करते हैं देखते हैं, अब पहले ये वाला ले लेते हैं, 4 ए की पावर कितना 3, ए की पावर 3 ले लेते हैं तो 3 हो जाएगा इंटू बी की पावर 2। अब यहाँ 2 रखते हैं, हम क्या रखेंगे फ्रेंड, 2 रखेंगे, बहुत सारे आएंगे, थोड़ा सा बहुत सारे फैक्टर आएंगे, लेस देन अगर इतना बड़ा देगा तो 500 नहीं देगा, 200 300 ऐसे कुछ देगा। चलिए तो यहाँ देखिए 2 रखते हैं और यहाँ 3 रखते हैं, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 3 8 हो जाएगा, और 8 और 9 72 के पास 12 फैक्टर है। यहाँ फ्रेंड्स हो जाएगा, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, कहेंगे यहाँ 3 लेंगे, यहाँ 3 की पावर 3 × 2 की पावर 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 हो जाएगा, और 3 पावर क्या, 3 में 27, 27 × 4 तो हम करते हैं 25 × 4, 25 × 4 कितना हो जाएगा फ्रेंड 100, और 2 × 4 क्या 4, तो कितना हो जाएगा, अरे 2 × 4 8 हो जाएगा, तो 100 कितना हो जाएगा 8, दूसरा नंबर 108 आ गया, सॉरी 108 फ्रेंड्स। अब थर्ड नंबर पर अगर हम चलें, अगर कहाँ चले फ्रेंड, थर्ड नंबर पर चले हम, तो ये कितना हो जाएगा थर्ड नंबर, देखिए हमारा यहाँ रखेंगे 2 की पावर 3 × क्या 5 रखेंगे, 5 की पावर कितना, 5 की पावर 2, तो ये कितना आ जाएगा, कहेंगे 3 की पावर 8 और इंटू क्या 5 की पावर हम कितना रखे 2, तो ये क्या आ जाएगा 25, और 25 यहाँ क्या आ जाएगा 200, इंटू करेंगे तो 200 हो जाएगा। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, देखते हैं आगे चलते हैं, और अब यहाँ क्या रखेंगे हम, यहाँ 5 रखेंगे, 5 की पावर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 5 की पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ 2 की पावर 2 होगा, तो कितना हो जाएगा 5 125 और इंटू 3 2 कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 ठीक, तो इसका इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 500, कितना हो जाएगा 500, देखिए फ्रेंड्स ये हो जाएगा 4 500। ये नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 500 से छोटा पूछा है, तो ये 500 एग्जैक्ट हो रहा, 500 हो रहा है, तो ये नहीं होगा। चलिए अब आगे करेंगे, तो यहाँ रखेंगे क्या हम फ्रेंड्स, यहाँ रखेंगे कितना, यहाँ रखेंगे हम 3 3 की पावर 3 × 5 की पावर 2, तो कितना आ जाएगा 81, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 3 करेंगे तो 81 हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 मिनट, ये कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, 1 मिनट फ्रेंड्स, ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 1 मिनट गाइस, ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 3 मीन्स 81, और ये 25 हो जाएगा, 81 और 25 का अगर इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा 500 से, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। अब इधर तो 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये तो ज़्यादा होगा, अब 2 की पावर हम कितना कर लेते हैं 4, 2 की पावर 3 है ना, 2 की पावर 3 × 7 की पावर कितना कर लेते हैं
सेवन की पावर टू, तो कितना आ जाएगा, एट इंटू क्या, 49, 49, 50 ले लेते हैं, 8 5 जा 40 कितना आ जाएगा, 8 9 जा 72, ये कितना आ जाएगा, 72 हो जाएगा फ्रेंड्स, और 8 4 जा 32, और 7 कितना आ जाएगा, 32 और 7 39, ये हो जाएगा फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं, आगे देखिए, अब इसके आगे नहीं मिलेगा नंबर, आगे नहीं मिलेगा, 3 से आने पे क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो एक नंबर हमारा ये हो गया। अगर इनटू में कहीं दिक्कत होगी तो उसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब इसके साथ लेंगे ए की पावर क्या, ए की पावर 1, ऐसे लेंगे ए की पावर 1 मतलब क्या, 2 इंटू क्या, 3 की पावर हम क्या 5 ले लेंगे, 3 की पावर 5 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 3 3 जा 9 3 जा 21, 3 जा कितना आ जाएगा, 21, 3 जा कहेंगे 2, 43, और 3 जा कितना आ जाएगा, ठीक है आ जाएगा 6, ये ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इसको नहीं ले सकते, यहाँ लिखते हैं 3 इंटू 2 की पावर 5, तो कितना आ जाएगा, ये नहीं हो सकता, तो ये लेंगे कितना आ जाएगा, ये फ्रेंड्स 32, 2 की पावर 5 मतलब 32 और 3 तो कितना है, 96, एक हमारा ये हो जाएगा। और आप देखिए कोई भी नंबर इधर नहीं ले सकते हैं, इधर हम अगर लेते हैं क्या, इधर हम अगर यहाँ पर लेते हैं 5, यहाँ पर आएगा 5 की पावर 5 तब भी नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स, यहाँ एक यहाँ से एक ही मिलेगा, तो कितने नंबर पॉसिबल हैं, कहेंगे 1 2 3 4 एंड ये 96 कितना 5, तो कितना है 5 नंबर्स हैं, ठीक, तो ऐसा दे देगा तो छोटा देगा ताकि आप कम समय में कर पाएँ फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे फ्रेंड्स। फिर हम कल मिलेंगे इसी उत्साह मंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।